हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट द पिक्चर गिवन हियर शो अ पर्सन वियरिंग हाफ मून स्पेक्टल्स। व्हाट सॉर्ट ऑफ द आई डिफेक्ट डू यू थिंक ही हैज? व्हाई आर दिस पर्टिकुलर स्पेक्टल्स यूजफुल टू हिम? ओके, तो इसमें क्या है कि एक पर्सन है जो एक चश्मा पहने हुए, ठीक है, और उसमें क्या है कि हाफ मून है, ठीक है। जो चश्मा है वो क्या है, एक हाफ मून का है। तो हमें बताना है ये ऐसा क्यों पहन रहे और ये किस तरह के प्रॉब्लम्स इनको है। इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट, ठीक है। अब ये विजन डिफेक्ट में हमें पता है कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है, और तीसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया ये क्या होता है कि ओल्ड एज में होता है, ठीक है। ये कब होता है? ओल्ड एज में। तो इसको ये भी बोला जा सकता है, ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कौन सा डिफेक्ट हुआ है इसको, इनको हुआ है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटनेस भी बोला जाता है। अब लॉन्ग साइटनेस है, इसका मतलब क्या है कि इनको पास की वस्तु अच्छे से नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करना होगा, यहाँ पे यूज करना होगा कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसमें जो है वो पास की वस्तु अच्छे से नहीं दिखता है, इस वजह से ऐसा ही ऐसा चश्मा को यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, कि ये कौन सा आई डिफेक्ट है। तो ये आई डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया भी बोल सकते हैं या फिर ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं। और इस कौन से किस पर्टिकुलर के लिए यूज करते हैं, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये जो हाफ मून है ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।